नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो जनाब, चलो चलो महाराज, चलो चलिए चलिए। मेरा प्रणाम गुरु जी के इस मौके पे आप लोगों ने हमें निमंत्रण दिया और हम लोग आ सके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उन्होंने कई लोगों को जैसे गुजर साहब ने आपसे कहा कि केला है शत्रु, अगर आप लोगों ने शत्रु पर मुक्ति हासिल कर ली है तो सबसे बड़ी जरूरी बात है आपको एकता दिखानी पड़ेगी, एक दूसरे को मिलकर चलना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात हमने ये भी कही कि चारों जो गुरु हैं, पांच गुरु हैं, उन पांचों गुरु का एक मंदिर बनना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि सब लोग इकट्ठे होकर उसको याद कर सकेंगे और इन गुरुओं से ताकत मांगेंगे कि इस समाज को उठा सके, इस समाज को बहुत नीचे कर दिया और सिर्फ शिशुचाय रिजर्वेशन से नहीं उठे, आपके नीतियों को आगे लाना पड़ेगा। उन्हें भी सरकार के अंदर जैसे यकीन शक्ति बनी वैसे आपके बच्चों को सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, हर चीज में आपको आगे आना चाहिए। आप जो हमारी असेंबली है उसमें रिजर्वेशन है मगर वो काफी नहीं है, उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि कैसे ये हो सकता है कि हमारी बच्चियां और ज्यादा ज्यादा आ सके और आप लोग इस कौम को ऊपर उठा सके दे दें और आपके दे दें और आप लोगों को फिर नहीं करिए और ये आज नहीं जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइडेड रूम, वैसे आज भी आज भी आज उसको अलग अलग बांटा जाता है। आप कभी ताकत नहीं बन सकते, आपको अगर ताकत बननी है तो इकट्ठे खड़े होकर मजबूती से उस ताकत को बनाना। अभी के हमने खड़ा किया है, क्यों खड़ा है? क्योंकि ये कौम इतनी नीचे है कि जब तक आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, समझने वाला नहीं होगा, आपको वो सहारा नहीं मिल सकते। इसे मैं इनसे वादा करता हूं, इन्हें बहुत काम करता प्रभु, इसे कामयाब कर, मगर इसलिए आप और भी जगह रखें, असेंबली में भी इनके लिए जगह रखें,
वहां नहीं होता तो यहां मिनिस्टर बन सकते हैं। मोबाइल पर हमने इन्हीं से इस कौम को उठाने की कोशिश की और ये पटेल साहब हो नहीं सकेगा जब तक आप जैसे लोग इनकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ा फर्ज आपका है इनको जोड़ना, इनको जोड़ना, इनको उस प्लेटफॉर्म पे लाना जहां इनकी आवाज एक है। अगर इनकी आवाज एक होगी पटेल साहब, मैं समझता हूं भगवान आपको सबसे बड़ी काम वो कर, हम भी देखेंगे आपकी आवाज कितनी मजबूत होती है, कितने मजबूती से आप कर सकते हैं। और मगर सरकारी नौकरियों में दिया ये मत समझो कि तुम लोग कमजोर हो, वो लोग पुराने जमाने वाले लोग थे जो कहते हैं नहीं इनकी बुद्धि नहीं है। अरे भगवान सबको बराबर पर बुद्धि देगा, मगर तुम लोग को इस्तेमाल नहीं करने दिया, तुम नौकरी नहीं दिया तो क्या ये नहीं है? कैसे फिर करते मेहनत ईमानदारी से कोई इनके एक उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि जब ये उसी पर बैठे उन्होंने मैं नहीं देखा कौन ब्राह्मण है, कौन मुस्लिम है, कौन लद्दाखी है, कौन हिंदू से है, कौन कश्मीरी से है। इन्होंने इंसाफ करने के हरेक से बराबर कोई भगवान के सामने इनको जवाब दे दे कि क्या मैंने बराबरी की इस कुर्सी पर बैठे या नहीं, कोई उनकी उंगली नहीं, कोई नहीं कह सकता इसने एक पैसा खाया। जब अगर ये दौलत बनाना चाहते थे इतनी बाजार करते थे तो बयान नहीं कर सकते, दौलत मेरा नहीं होगी भगवान के सामने दौलत ना करते थे, मेरा ईमान था तो शरीर में मेरी सच्चाई नहीं करता, हमें उम्मीद करेंगे वही सच्चाई इनको आगे। मैं फिर से आप सब भाइयों बहनों बहुत ही आभारी हूं आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका मिला आपसे बात करने के, और समझना चाहिए थे कि हम सब ठीक रहे, हमारा देश ठीक रहे, हम तरक्की करें और जो इस देश में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे इस देश को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा उधर से आप नीचे बैठ जाओ ना, थोड़ा ला दो तो नहीं आएगा नहीं और बरादरी के सारे सज्जनों भैनों के भ्राओ, सारे कोला पहले मैं तुम्हें मुबारक, मैं सारे कोला पहले तुसें सारे मुबारकबाद देना कि आज पिछले साल के अगर तुसें फिर इस साल एक शानदार बेहतरीन प्रोग्राम किया उदे लिए तुसें सारे बड़ी बड़ी मुबारक। मेरी अजीज बच्ची रोशनी ते आखा जी ने क्या साढ़े अंदर दबाव पाया गया और कल का जो फंक्शन जिसे हो रहा था उस फंक्शन के कैंसल किया गया और इन्हें हरास करने के लिए उन्हें फंक्शन नहीं कर देता। मैं इस बच्ची की आखांगा जिन्ना मर्जी कोई दबाव पाए जुड़े पर हिम्मत करने से लड़ना लड़िए से जीतना और डरने वाले नहीं आ। मैं अपनी बच्ची की दसी होना थोड़ी बरादरी के कन्ने नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है और जितने थोड़ी पिछ लगेगी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क्या देते, उमर अब्दुल्ला साहब की क्या देते, शेर ए कश्मीर ने जेड़ा हुक्म दिते दा सारी जमात किसाने दी पिछड़े ने और गरीबे की जमात है और हमेशा हमेशा ये जमात खड़ी रहेगी उन लोगों ने जेड़े समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं और तुसें कोई इस गल दे लई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम जम्मू कश्मीर में खड़ा है, जब तक साड़ी क्यादत फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जिंदा है ते सारे जे सिपाही जेड़े थोड़े सेवादार है सारा सिर थोड़े चरने चलेगा और अस थोड़ी सेवा करा। मैं
तुसें इस गल का आश्वासन दवाना चाहना कि हर बरादरी हर मजहब के लोग सारी कोशिश है कि उसी अस कट्ठा कर रखिए मजबूत रखे नेशनल कांग्रेस साहब बरादरी और मजहब में यकीन नहीं रखती शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम इतिहाद अजा में सब में बराबर है तो क्यों फर्क बाबा साहब अंबेडकर का इतना जिक्र होया बाबा साहब अंबेडकर मैं ये समझता हूं सर कि अगर महात्मा गांधी बापू थे फादर ऑफ द नेशन थे तो इस नेशन की सबसे बड़ी मजबूती इसकी डेमोक्रेसी है इसकी जमहूरियत है तो बाबा साहब अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैं जिसका बोलबाला पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है आज अगर हमारी जमहूरियत है और यही जमहूरियत का सारा कद है आज ब्रिटानिया पर से हुकूमत नहीं लेकिन आज ब्रिटानिया की हुकूमत के बीच भी जिस वेले बहस होती है और कानून की बहस होती है कई जगह ब्रिटानिया की हुकूमत हिंदुस्तान की आईन की मिसाल देते हैं और वो आईन लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे और बेटी की आसाना इस बच्ची की और इंतजा था कि बाबा साहब अंबेडकर कुतरे उठे और बलायत भी उस वेले के जिस विलायत राज भी लोग रंग के ऊपर फर्क करते हैं बाबा साहब अंबेडकर आज भी परसों न्यूजीलैंड में जरा वाका होया रंग के ऊपर फर्क करता वो आदमी उसने मारे 40-50 सारे मुसलमान को मारे गए मारने वाले की सोच के थी रंग का फर्क करता था जितने आज भी रंग होगा उठे आज तो 100 साल पहले 150 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर ने विलायत में जाइए पढ़ाई करिए अपना नाम लाया जितना है दबाग के उतना उतना ये सब आपको मत होना चाहिए सारे सोच होनी चाहिए और मैं और फारूक अब्दुल्ला साहब की जा चुके ने उमर अब्दुल्ला साहब की जा चुके ने तुसे इंदा एक सफाई इतने जम्मू सूबे के होने के नाते जम्मू सूबे की तंजीम है रखा वजीर साहब बैठे ने बुजुर्ग मेरे कुंडल साहब बैठे ने इनकी इजाजत करने सारे मेरे तुम्हें आश्वासन देना कि जिथे भी कोई तुम्हें जरूरत पाएगी कुछ वेले भी दिन रात अस थोड़े दावेदार हाँ अस थोड़े नौकर हाँ अस थोड़े दास हाँ खड़े रहोगे मेरा वादा बहुत बहुत शायद सी मिस सीमा सलमान जी राजकुमार मल्होत्रा पंजाब से राजकुमार मल्होत्रा जी पंजाब से श्री लखविंदर जी पंजाब से सामने जनाब यार आगे आगे यार क्या कर रहे हैं परशोत्तम कुमार जी परशोत्तम कजूरा जी टीम पर जिनका नाम बोला जाना चाह रहा है वो पटना इमीडिएटली तो आगे वहां पर आए शुभ बॉबी साहिल मल्होत्रा गणेश जी एंड टीम प्रदीप जी एंड टीम राजकुमार मल्होत्रा जी पंजाब से लखविंदर जी पंजाब से पंकज मल्होत्रा जी पंजाब मल्होत्रा जी जम्मू से गोल्ड मेडलिस्ट मलेशिया से पंकज मल्होत्रा गोल्ड मेडलिस्ट इन मार्शल आर्ट्स फ्रॉम मलेशिया दरबार में जाने गंसल टीम विनोद कुमार जी हंसराज जी रायपुर सतवारी से क्या करा रहे केवल कृष्ण जी रिलीफ डिपार्टमेंट से
कट्टल पट्टल, विद्या सागर जी, विकी परमोत्रा जी, यशपाल यशपाल जी सुजानपुर से, जिन जिन का नाम ले रही हूँ, कृपया जल्दी से जल्दी आए और अपना स्मृति चिन्ह लेकर स्थान ग्रहण करें। श्री कुशकेश पहले मोहल्ला, जो जो साथी जो और आवाज ले चुके हैं वो अपनी अपनी सीट ग्रहण करें ताकि श्री मोहिंदर सरमाल जी, पटवारी जी, श्री मोहिंदर सरमाल जी, मुबारक हो, प्लीज हमारे पास आइए।